दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के कार्यक्रम हफ्ते की बात में आपका स्वागत है। हमारी सरकार चलाने वाले लोग, मैं उनकी प्रतिभा पर शक नहीं करता, जबरदस्त प्रतिभा दिखाते हैं, अजब अजब तरह के खेल खेलते रहते हैं सियासत के। अब ट्विटर से लड़ते हैं। अब हम सब जानते हैं कि ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, इनसे कैसा रिश्ता हमारे सत्ताधारियों का रहा है। सत्ता में जब ये नहीं थे तब भी, और सत्ता में जब आए उसके बाद भी, कैसे हमारे देश के बड़े बड़े नेता जब परदेश जाते हैं तो कैसे इसी तरह की बड़ी बड़ी कंपनियों के मुख्यालय तक चले जाते हैं, उनके सीईओ के साथ गलबहियां करते हैं। लेकिन अभी फुफकार करके लड़ाई ट्विटर से लड़ी जा रही है। इस बीच में एक अजीब तरह का और बयान एक दिन अभी देखा बयान की इमरजेंसी की याद की जा रही है। तो याद सारे लोग कर रहे हैं, जो तानाशाही के विरोध के लोग हैं वे भी कर रहे हैं, जो तानाशाही के आज समर्थक नहीं प्रतीक बने हुए हैं वो भी कर रहे हैं। अभी देखा कि देश के नंबर टू नेता सत्ताधारी दल के, सत्ताधारी संरचना के, वो कह रहे हैं कि इमरजेंसी तानाशाही मिजाज से, मानसिकता से पैदा हुई। तो आज का सवाल उठा रहे हैं लोग उनके बयान पर कि आज की जो हमारी सरकार है, आज का जो मिजाज है सरकार का, वो किस तरह से पैदा हुआ है, वो कहां से आया है। तो हम इन्हीं दो चीजों पर बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि जो असल मसले हैं लड़ने के लिए, महामारी है, बीमारी है, बेरोजगारी है, इन चीजों पर हमारी सरकार नहीं लड़ती। लेकिन जहां पर लड़ाई नहीं है वहां वो लड़ती है। क्यों? क्या इसलिए कि असल मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाना है? और ये बहुत पुराना रिवाज है, सिर्फ आज के जो सत्ताधारी हैं उनका ही नहीं, पहले के भी, कि ध्यान हटाओ और अपना काम करो। अब जम्मू कश्मीर को लेकर कितनी दिलचस्प बात है। गुपकार गैंग से मीटिंग, गुपकार गैंग केवल टीवी पुरम ने नहीं कहा, बहुत सारे लोग समझते हैं कि टीवी पुरम के लोगों ने कहा कि यह गुपकार गैंग है। भारत के नंबर दो नेता यानी गृह मंत्री, उन्होंने यह कहा था, गुपकार गैंग शब्द यूज किया था। और जैसे ही उन्होंने यूज किया, जो उनकी पूरी की पूरी टीवी मंडली है देश में, टीवी पुरम, उसने कहना शुरू कर दिया। तो ये जो टीवी पुरम है, वहां का जो शब्द, सत्ता का जो शब्द अचानक जनाब बन गया। अब गुपकार गैंग कोई नहीं कह रहा है, अब कह रहे हैं लोग जनाब, महामहिम, महाशय, महोदय, फारूक साहब, उमर साहब, महबूबा जी, अब इस तरह के इज्जत वाले नाम लिए जा रहे हैं। उनके साथ बैठक हो गई, लोगों ने समझा कि लगता है कि बर्फ पिघल गई, लगता है दिल्ली और दिल की दूरी कश्मीर से कम हो गई। ये शब्द भी यूज किए गए, दिल की दूरी कम करनी है, दिल्ली की कश्मीर से दूरी कम करनी है। लेकिन ये हुआ क्यों? दोस्तों, मुझे इसमें सिर्फ और सिर्फ दो कारण नजर आते हैं, मैं इसमें ज्यादा नहीं पढ़ता। पहली बात तो यह है कि आरएसएस के एजेंडे के तहत जो फैसला सरकार ने किया 370 पर, अब उसके बाद क्या हो, राज्य का विभाजन कर दिया, विभाजन करने के बाद केंद्र शासित क्षेत्र बना दिया। लेकिन जम्मू भी खुश नहीं है। मैं जम्मू इसलिए कह रहा हूं कि आबादी की जो प्रकृति है वहां, उसे समझा गया कि आरएसएस बीजेपी के लिए बहुत खुश हो जाएगी। लेकिन वो भी खुश नहीं है क्योंकि उसकी जमीन जायदाद असुरक्षित हो गई है। 370 के तहत जो बहुत सारा प्रोटेक्शन था वहां के लोगों को, खासकर जमीन जायदाद का, वो खत्म हो गया है। और यही कारण है कि जम्मू के लोग भी नाराज हैं। तो अब आगे क्या करें? कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनाव हो और हार जाएं?
फिर क्या करेंगे? तो डिलिमिटेशन को हम सब जानते हैं कि भारत के अनेक क्षेत्रों में डिलिमिटेशन समयबद्ध होता है, 2026 में होना है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए सरकार ने पहले ही डिलिमिटेशन बना दिया कमीशन। उसमें जस्टिस जो सेवानिवृत्त हैं अंजना प्रकाश जी, उनको रखा गया, रंजना प्रकाश जी, और रंजना प्रकाश देसाई का जो कमीशन है उसमें और सारे लोगों को एसोसिएट किया गया। अब सवाल इस बात का है कि वो काम फिलहाल नहीं कर पाया था, बहुत सारे कारण उसके हो सकते हैं, कोरोना हो सकता है, असहयोग हो सकता है वहाँ के संगठनों का। तो इस मीटिंग का एक बड़ा पर्पज ये था कि डिलिमिटेशन को कैसे जल्दी से जल्दी पूरा कर लिया जाए। लेकिन कश्मीरी जो संगठन है, हालांकि वो भी बड़े डरे रहते हैं, डरे इसलिए रहते हैं कि किसी पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, किसी पर कुछ है, किसी पर कुछ है। जितने लोग, जितने कश्मीर की पार्टियां हैं मुख्य धारा की, उसमें जितने लोग सत्ता में रहे हैं जम्मू कश्मीर की अब तक, वे सारे लोग अंदर से बेचारे डरे रहते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ न कुछ सबने किया है, तो कोई मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसा है, कोई किसी केस में फंसा है, और सरकार अच्छी तरह जानती है कि कैसे इन लोगों को कैसे क्या किया कर दिया जाए कि ये उनकी बात मानना शुरू कर दें। तो अब कहा गया है कि हम चुनाव कराएंगे, लेकिन पहले डिलिमिटेशन होना चाहिए। लेकिन फिर भी अभी कश्मीरी जो जमाते हैं, जो तंजीमें हैं बहुत सारी, जिनका दबाव इन मुख्यधारा के नेताओं पर भी है, वो ये कह रही हैं कि नहीं, आप चुनाव कराइए, डिलिमिटेशन होता रहेगा। डिलिमिटेशन की क्या जल्दी है, 2026 तक हो जाएगा, आप डिलिमिटेशन ही क्यों चाहते हैं? तो इसलिए चाहते हैं कि आप अपने हिसाब से सीटें तय कराना चाहते हैं। कुछ सीटें आप जम्मू क्षेत्र में जाहिर है बढ़ाना चाहते हैं, कुछ जम्मू कश्मीर में, कश्मीर वैली में जो सीटें हैं उनको इस प्रकार समायोजित करना चाहते हैं कि कुछ वहां से आप तोड़ फोड़ कर सीटें बढ़ा लें, और इस तरह आप उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर में चुनाव कर पूरे देश को एक मैसेज दें, और ख़ासकर उत्तर प्रदेश को, कि देखिए हमने तो चुनाव करा लिया और अपना मुख्यमंत्री भी बनवा लिया। तो ये पूरी जो परियोजना है, दरअसल वो डिलिमिटेशन को कराने के लिए नेताओं को फुसलाने का एक उपक्रम था ये मीटिंग। इसके अलावा न तो 370 पर कोई बात सुननी किसी को है, न तो किसी और इशू को सुननी है। और इसमें दूसरा एक पेंच और है सरकार का, उसके जो प्रिय पात्र हैं, जो उसके हमजोली हैं, हमजोली मतलब जो बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, देश के बड़े कारपोरेट, उनको ज़मीनें भी चाहिए, उनको उपक्रम खोलने हैं, उनको पानी बेचना है, उनको जंगल बेचना है, उनको बहुत सारे और उपक्रम वहाँ पर खड़े करने हैं। पानी बहुत है कश्मीर में, जंगल बहुत है, जंगल और पानी पर नज़र है लोगों की, पत्थर बहुत है, पत्थर पर नज़र है, और इन लकड़ियों पर नज़र है। और इसके लिए ज़रूरी है कि लैंड रिफॉर्म्स जो 1950 का है, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का एक नायाब तोहफा जिससे जम्मू कश्मीर बदल गया था, उस लैंड रिफॉर्म्स एक्ट को इतना कमज़ोर कर दिया जाए, क्योंकि अब 370 का प्रोटेक्शन नहीं है, अब नए नए कानून ला सकते हैं, नए नए प्रावधान इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, सिर्फ नोटिफिकेशन से बहुत सारे काम चला सकते हैं। तो अपनी पसंद की अगर सरकार आ जाती है और डिलिमिटेशन फेवर कर जाता है, तो जाहिर है वो अपना काम कर लेंगे। और जो 22.75 एकड़ का जो एक प्रावधान है कि इससे अधिक ज़मीन नहीं मिलेगी किसी को, उसको वो धाराशाही कर देंगे। तो लैंड रिफॉर्म्स एक्ट को कैसे डिस्टार्ट और एक तरह से कमज़ोर, इररिलेवेंट कर दिया जाए, ये उससे जुड़ा हुआ प्रश्न है। और तीसरा जो एक छोटा सा पहलू है कि पूरी दुनिया में इसको लेकर काफ़ी नाराज़गी, खासकर जो भारत को आज की तारीख में पसंद करने वाले कुछ देश हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भारत में तानाशाही रहे, इससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन वैश्विक जो संतुलन है उसमें अमेरिका का भारत अगर साथ देता रहे, एक 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 आँख मूंद कर सहयोग करता रहे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए अमेरिकन्स भी चाहते थे कि अफ़गानिस्तान में सितंबर से जो वो प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं विड्रॉल की, उसमें एक इस एरिया में, पाकिस्तान में, इंडिया में, अफगानिस्तान में, इस एरिया में एक ऐसा संतुलन बना रहे जिससे कि कोई मुश्किल उनके सामने ना आवे। तो इसीलिए पिछले दिनों हमने देखा कि
वहाँ के एक बड़े जो नेता जो बाइडेन मिनिस्टर बाइडेन सरकार के मिस्टर थॉम्पसन, उन्होंने वहाँ के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, वहाँ के जो बहुत सारे जो मेंबरान हैं, उनसे कंसल्टेशन में उन्होंने कहा भी था कि कश्मीर को लेकर भारत को और पहल करनी चाहिए, और इसके लिए वो लगातार हम बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो अभी एक प्रेशर है जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर पर सरकार कुछ चाहती थी पूरी दुनिया को दिखाना, खासकर अमेरिका को, कि देखिए हम कुछ कर रहे हैं, हम अब कम से कम नेट का जो इशू है, जैसे इंटरनेट आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे बदनामी हुई थी कि कैसे एक डेमोक्रेटिक कंट्री अपने पूरे के पूरे इलाके से कैसे गायब कर सकता है इंटरनेट को। और इसके बाद भी जब इंटरनेट जारी हुआ वहाँ, उसका एप्लीकेशन शुरू हुआ, तो भी वहाँ स्पीड बहुत कम रखी गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे नॉर्मलसी की तरफ जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये एक दिखावे की चीज़ थी। तो दोस्तों, एक ये पहलू मैं आपके सामने रखना चाहता था कि जम्मू कश्मीर पर जो सरकार है वो डीलिमिटेशन के जरिए जल्दी से जल्दी चुनाव करा करके पहले वो स्टेटहुड को नहीं वहाँ पर वो मेंटेन करेगी, उसको फिर से वो स्टेट अभी तत्काल नहीं बनाना चाहेंगे। वो चाहेंगे कि पहले उनकी पसंद का चुनाव हो जाए, सीटें उनकी पसंद की निकल आवें, और उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले, ताकि हिंदी प्रांतों में इसका खूब प्रचार किया जा सके। एक तो ये। दूसरा पहलू जो दोस्तों आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि इमरजेंसी को याद किया जा रहा है, और इमरजेंसी के योद्धा बता रहे हैं ये लोग अपने को जो आज सत्ता में हैं, लेकिन उससे ज़्यादा खतरनाक इमरजेंसी। आप जानते हैं राजद्रोह के कितने केसेस हाल के दिनों में हुए हैं, कितने केसेस सेडिशन के हुए हैं 2014 के बाद। आर्टिकल 14 नाम की जो एक वेबसाइट है उसका अपना जो शोध है, उन्होंने बताया कि 405 केसेस। अब आप अंग्रेजी हुकूमत का देख लीजिए, आप बाद के दिनों में देख लीजिए, ये बात सही है कि कांग्रेस रिजीम के समय भी असंख्य सैकड़ों केसेज हुई थी इस तरह की अलग अलग वर्ष में, लेकिन यहाँ पर तो केवल दो नेता, प्रधानमंत्री जी और एक प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, इन पर कोई प्रतिकूल टिप्पणी करने पर भी राजद्रोह की केस हो गई। तो ये जो आज की इमरजेंसी है वो तब की इमरजेंसी की बाप है, बाप फादर है, उसकी बहुत बड़ी इतनी ज़्यादा उसकी तीव्रता है कि जिसको चाहो उसको अरेस्ट कर दो, जिसको चाहो, जिस पत्रकार, जिस लेखक, जिस बुद्धिजीवी, कहते हैं कि उस समय प्रेस की सेंसरशिप थी, आज तो प्रेस को सेंसरशिप की भी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रेस तब खामोश था, कई बार वो चाहता था। आडवाणी जी ने कहा कि प्रेस को कहा गया झुको तो वो बिल्कुल लेट गया, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि आज न लेटा है और न झुका है, आज तो वो बेचारा धुंध भी बजा रहा है सरकार की, वो सत्ता का ढोलक पीट रहा है, बल्कि सत्ता के लिए लाठी भी भांज रहा है, विचारों की लाठी। तो दोस्तों, ये कुछ बातें मैं करना चाहता था आपसे कि इमरजेंसी और कश्मीर के पीछे ये क्या मामला है। इमरजेंसी को आज ज़्यादा क्रुएलिटी के साथ, ज़्यादा बारबरिक ढंग से, ज़्यादा बर्बर ढंग से जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वो अगर इमरजेंसी के अपने को योद्धा कहें तो ये हास्यास्पद है। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत नमस्कार, और जाते जाते बताऊँगा कि किसानों ने आज फिर से अपने प्रोटेस्ट को नई धार दी है, ट्रैक्टर्स पर, ट्राली पर वो आए हैं और बता रहे हैं कि चुनाव जब होगा तो वो इस सरकार को, सत्ताधारियों को जरूर देखेंगे।